गुरु प्यारी परम सत्कार योग साथ संगत जी, आप जी सारे संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साथ संगत जी, आज की साखी है पति पत्नी के शारीरिक रिश्ते को लेकर सदगुरु क्या उपदेश करते हैं, इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा। हमें गुरु साहिब क्या क्या फरमा रहे हैं और वाणी हमें क्या हिदायत दे रही है, तो आइए आज की साखी को हम बड़े प्रेम भाव से श्रवण करते हैं। आज की साखी पति और पत्नी के रिश्ते पर आधारित है कि पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए। प्यारे गुरमुखो, हर एक प्रश्न का जवाब सतगुरु ने अपनी वाणी में दिया है, लेकिन हम उस पर विचार नहीं करते, उस पर ध्यान ही नहीं देते, इसलिए हमारे जीवन में बहुत सारी उलझने खड़ी हो जाती हैं। गुरमुख प्यारे हो, फरमाया जाता है कि पति और पत्नी का रिश्ता प्यार, विश्वास, भरोसे, ईमानदारी और बेहतर समझ पर निर्भर होता है। जिस पति और पत्नी में ये सब गुण होंगे, वह अपने प्यार के मोतियों को एक माला में बांधे रखेंगे, और यहाँ पर भी इनमें से किसी भी गुण में किसी तरह की कमी आई तो वह माला के मोती बिखर जाएंगे। गुरमुख प्यारे हो, पति और पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, इस पर अरदास के वाणी के 788 अंक में फरमाते हैं कि जो पति और पत्नी केवल शारीरिक रूप से एक दूसरे के करीब हैं, उन्हें पति और पत्नी नहीं कहा जा सकता, बल्कि पति और पत्नी तो वो हैं जिनके शरीर तो दो हैं लेकिन आत्मा एक है, उनकी आंखें तो दो हैं लेकिन उनकी दृष्टि एक है। लेकिन असल में क्या हो रहा है कि पति तो चाहता है कि पत्नी उसके हिसाब से चले, यानी कि उसके जैसी हो जाए, और पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके जैसा हो जाए, उसके जैसा बन जाए। पति हमेशा अपनी पत्नी का प्यार और ध्यान मांगता रहता है और पत्नी अपने पति से, तो यहाँ पर सतगुरु फरमाते हैं कि ऐसा मालूम होता है कि जैसे दोनों एक दूसरे से प्यार और ध्यान की भीख मांग रहे हों, तो इस तरह भिखारी बनकर रिश्ते को चलाने का क्या फायदा। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ने पति और पत्नी को एक माना है, इसलिए उनकी शिक्षा भी दोनों के लिए सम्मान है, और सतगुरु फरमाते हैं कि पति और पत्नी शारीरिक हवस के लिए एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, बल्कि वह तो शादी के बंधन में इसलिए बंधते हैं ताकि उनकी आत्मा एक होकर उस प्रभु की भक्ति कर सकें, और जब दोनों की आत्मा एक हो जाएगी तो सभी तरह के वाद विवाद अपने आप खत्म हो जाएंगे। इसलिए वाणी के अनुसार जो पति पत्नी संग रहें और केवल शारीरिक रूप से जुड़े हों, उन्हें पति पत्नी नहीं कहा जा सकता, बल्कि पति पत्नी तो वह हैं जिन्होंने अपना सब कुछ एक दूसरे को दे दिया हो और दो जिस्म एक जान हो गए हों। सतगुरु फरमाते हैं कि उनका उद्देश्य प्रभु को पाना होना चाहिए। तो गुरुमुख प्यारे हो, आज की साखी देखिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी साखी थी। हमें सतगुरु महाराज ने 788 पेज में बड़ी बखूबी समझाया है, और हमें भी समझना चाहिए जो इस साखी में फरमाया गया है, हमें भी इस पर अमल करना चाहिए। तो मिलते हैं एक नए सत्संग के साथ, नई साखी के साथ। गुरुमुख प्यारे हो, राधा स्वामी जी।